देखिए ये एक बहुत ही मैं अर्ज करूं तारीख दिन है हम सब के लिए, ये कोई पीटीआई का मामला नहीं है, ये जरूरी है कि आपके तवसत पाकिस्तानी कौम को पता चले कि उनके साथ क्या हादसा कल हो गया है। आप थोड़ा मुझे मौका दें, कानूनदान के हवाले से या कानून के तालिब इल्म के हवाले से, एक वकील के हवाले से, कि हुआ क्या है कल। बहुत लोगों में ये एक तरह से वजाहत नहीं है कि कल क्या हो गया है और ये कितना बड़ा सानिया है हम सब के लिए। देखें, हम लोग जो वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, 32-33 साल अब मुझे भी हो गए, हमें पता होता है कि कौन सा जज जो है दमखम रखता है जाबिर सुल्तान के सामने सच बोलने का, हक बात करने का, और कौन नहीं रखता। अगर आप मेरे सामने किसी भी हाई कोर्ट के 40-50 जजों के नाम रखें या सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों के नाम रखें और कहें ये वाला मुकदमा अगर इनमें से किसी जज के पास जाए तो वो क्या फैसला करेगा, मैं कोई बहस सुने बगैर आपको बता दूंगा कि वो क्या फैसला करेगा। इतना हमें पता होता है कि अगर किसी को उठा लिया गया है, किसी का भाई, खावन, बेटा गुमशुदा है और वो मुकदमा अलिफ जज के पास जाता है तो वो क्या करेगा और बे जज क्या करेगा, ये हमें पता होता है। अलिफ जज जो है उसको टालेगा, बहुत अदालत में जाओ जलाल दिखाएगा लेकिन कहेगा मुझे 2 हफ्ते में रिपोर्ट दो, मैं मजीद वक्त नहीं दूंगा, और इस तरह महीने गुजार देगा और कुछ भी नहीं होगा नशस्तन बर्खास्तन के सिवा। इस तरह के जज बहुत हैं हमारी अदालतों में बदकिस्मती से, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पिछले 30 साल में जो सफर हमने तय किया 1996 के बाद एक अदलिया की आज़ादी का, देखिए 1996 में एक फैसला हुआ अल जिहाद ट्रस्ट के जज जो हैं सिर्फ वजीर आजम की सवाबदीद पर नहीं लगेंगे, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका एक बड़ा रोल होगा जजों के लगाने में। उसके बाद 2010 में 18वीं आईनी तरमीम आई, उसके तहत और 19वीं तरमीम फिर आ गई, एक जुडिशल कमीशन बना जिसमें जजों की तादाद ज्यादा थी, बाकी भी थे अरकान लेकिन वो जजों से कम थे, लिहाजा जजों की राय जो थी वो हावी होना शुरू हो गई और हावी रही। इस तमाम अरसे में किसी ना किसी हवाले से, किसी दरवाजे से ऐसे जज आ गए अदलिया में जो बाहिम्मत थे, जो आइन के लिए, जो शख्सी आज़ादियों के लिए, वो खा आप पर बतौर सहाफ़ी पैमरा के कवानीन हो, पीका के कवानीन हो, उस हवाले से आपको हमें रिलीफ देते रहे, खड़े होते रहे वो फस्तायत के खिलाफ। ये तमाम जो अमल था 2010 के बाद, बल्कि मैं कहूँगा 1996 के बाद, इस अमल का कल ड्रॉप सीन हुआ है, इसको कल ख़त्म कर दिया गया है। ये कहा गया कि अदलिया में ऐसे लोग आ गए हैं जो खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ, खत लिखते हैं अगर हम उनके बेडरूमों में कैमरे नस्ब करें, अगर हम उनकी बात सुने, उनके फोन सुने तो ये एहतजाज करते हैं, इनको हिम्मत कैसे हुई एहतजाज करने की, ये कहने की कि वो दबाव में हैं। दबाव डालना तो हमारा हक है, इस रियासत को हमने चलाना है, कोई आज़ाद जज हमें कबूल नहीं है। तो ये अमल शुरू हुआ मेरी नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जब खत लिखा, वहाँ से ये फैसला किया गया कि अब हमने अदलिया में नहीं रहने देना किसी ऐसे ओहदे पर किसी ऐसे जज को जो हमारी ख्वाहिश से बरक्स कोई फैसला करे, जो किसी को रिलीफ दे दे, किसी सहाफ़ी को, किसी गुमशुदा को रिलीफ दे दे, जो रियासत के खिलाफ कहे कि तुम हावी हो रहे हो इनके बुनियादी हुकूक पर, तुम इनको पामाल कर रहे हो, लोगों को उठाना मारना पीटना तो हमारा हक है, ये जज कौन होते हैं कि उसमें दखल अंदाजी करें, अगर हम लोगों के फोन सुनते हैं तो ये हमारा हक है, इन तमाम जजों को हमने फारिग करना है। ये एक फैसला हुआ उसूली तौर पे। देखिए, जो हम पिटिशनें लेकर जाते हैं बतौर वकील अदालतों में वो आइनी बुनियादों पर लेकर जाते हैं, आइन का आर्टिकल 199 है, वहां हम ये कहते हैं कि ये मेरा बुनियादी हक है कि मैं तंजीम साजी करूं, खा वो ट्रेड यूनियन हो खा वो सियासी जमात हो, मेरा ये बुनियादी हक है कि मैं बोल सकूं, आज़ादी इजहार मुझे आइन देता है, मुझे आज़ादी इजहार के इस्तेमाल की वजह से मातूब नहीं किया जा सकता, आप मेरे किसी प्यारे को घर से उठाकर नहीं ले जा सकते, एक कानून है जो मुझे जिंदगी की, मेरे वजूद की जमानत देता है। तो ये तमाम मामलात आइनी नौइयत के हैं, ये सियासी नहीं हैं, ये बुनियादी हुकूक से मुंसलिक मामलात हैं। कल ये कहा गया कि इन मामलात को सुनने के लिए हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जज जो हैं वो हुकूमत मुतय्यन करेगी। एक कमीशन बना दिया गया है, उस कमीशन में अक्सरियत हमेशा हुकूमत की होगी, हुकूमती पार्टी की, और आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या है, हुकूमत सिर्फ एक मास्क है,
उसके पीछे कौन कौन खड़ा है हम सब जानते हैं। तो फैसला कल ये हुआ इस फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने और उन लोगों ने जो अपने आप को आईने पाकिस्तान का वारिस कहते हैं, इन्होंने अपने हाथ काट दिए, अपने ज़मीर को दफन किया, इन्होंने तमाम ताकत अदालत की जो है अदालत में तैनाती की वो उनको दे दी जो जबर करते हैं। जबर करने वालों को कहा गया कि अब अपने मर्जी के जज लगाओ, इस मुल्क में अब सुकून ही सुकून होगा, चैन ही चैन होगा, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो उसका मुंह बंद कर दो। तो ये सब सानिया कोई पीटीआई का सानिया नहीं है। मुझे हैरत होती है जब लोग कहते हैं ये पीटीआई का मामला था। ये मामला तो आपके बच्चों का है, आपके प्यारों का है, ये आपका है, आपकी रोजगार का है, ये बतौर इंसान मेरा है, हम सबका है। तो याद रखिए, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह कि कल हम सब के साथ एक वारदात हुई है, पाकिस्तान के हर बच्चे के साथ, हर बूढ़े के साथ, हर औरत के साथ, हर बलोच के साथ, हर पख्तून के साथ, हर सिंधी के साथ, हर पंजाबी के साथ, हर कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे के साथ। कल हम सब अब महकूम हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। जब हम एक पिटिशन लेकर अब जाएंगे अदालत में तो वो पिटिशन ऐसे जज के पास जाएगी जिसकी डोरियां जो हैं वो खींचने वाले वही तो जबर करते हैं, वही तो उठाने वाले हैं। तो हमने मुकम्मल तौर पे अदलिया ने जो आजादी हासिल की थी पिछले 30-40 सालों में, उसमें बहुत जद्दोजहद है, आप सबकी जद्दोजहद है, सहाफियों की है, पाकिस्तान के अवाम की है, वकला की है। उस जद्दोजहद का कल गला घोंट दिया गया, कहा गया कि अब हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी वही जज इस किस्म के मामलात को सुनेगा जिसको हम मुकर्रर करेंगे। और वो क्या करेगा आप जान सकते हैं, मिसिंग पर्सन्स का एक कमीशन बनाया गया ऐसे ही एक जज के तहत, जस्टिस एक जावेद इकबाल साहब हुआ करते थे जो नैब के भी चेयरमैन रहे। हम जानते हैं उस मिसिंग पर्सन्स कमीशन में क्या हुआ, नशस्तन बर्खास्तन लोग रोते रहे, ठोकरे खाते रहे, फरियाद करते रहे, लोगों का इस्तेहसाल हुआ, लेकिन कोई फैसला ना हुआ, एक भी कोई शख्स बरामद ना हो सका। तो अब यह हाल तमाम अदालतों का होगा पाकिस्तान की, हर हाई कोर्ट में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नामी एक दड़बा बनाया गया है। उस दड़बे में वो लोग जाएंगे जिनके सर झुके हुए हैं, जिनकी रूह मुर्दा है, जो दिलों में राख लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अब यही हाल होगा, आप कहीं दादरसी नहीं पा सकेंगे। हम काला कोट पहनेंगे, हम फाइलें उठाएंगे, हम आईन की किताब पकड़ेंगे, हम इल्तजा करेंगे, हम बहस करेंगे और हमारे मुंह पे दे मारा जाएगा पाकिस्तान के आईन को, हमारी बहस को। ये सब कुछ हम देख रहे हैं पिछले 30-40 सालों में। हम जानते हैं कि हमेशा जजों का एक गिरोह होता है जो ताबे होता है, जो मुती होता है, लेकिन हमने बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कोशिश से अपनी अदलिया में ऐसे जज पैदा किए थे जो दिखा रहे थे, ताकत दिखा रहे थे, जो इंसान के साथ एहतराम से पेश आ रहे थे, एहतराम इंसानियत को वो बरतर समझते थे, जबर के सामने खड़ा होना शुरू कर रहे थे। उनकी टांगें काट दी गई हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनकी जुबान खींच ली गई है। कल ये हुआ है, इसलिए जान लीजिए कि आज और कल पाकिस्तान बदल गया है, हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए हैं। ये वो दौर है जो शायद अंग्रेज के जमाने में भी नहीं था। देखिए, अंग्रेज ने भी जब 1860 में हमारे कानून बनाए, जाब्ता फौजदारी बनाया, उसके बाद उन्होंने पीनल कोड बनाया, उन सब में ये लिखा कि ख्वातीन पे कोई सूरज गुरूब होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी घर में दाखिला नहीं होगा जहां ख्वातीन हों। ये सब कुछ अंग्रेज ने लिखा 1860 में। आज हम देख रहे हैं ये तमाम उसूल पामाल हो चुके हैं, किसी की बीवी बेटी बहन माँ महफूज नहीं है। इस माहौल में हमने मजीद तारीकी पैदा की है, तो हम अब बिल्कुल निहत्ते हैं। मैं आपको यह कहने आया हूं कि यहां से आगे कुछ नहीं है सवाए जद्दोजहद के, सवाए इस बात के कि हर सियासी तफरीक से, हर लिसानी तफरीक से बालातर होकर हम इकट्ठे हों, हम अपनी आवाज बुलंद करें। अदालतों में अगर आवाज बुलंद नहीं करने दी जाएगी तो सड़कों पर हम बुलंद करेंगे, मैदानों में हम बुलंद करेंगे, घाटियों में पहाड़ों पर हम बुलंद करेंगे। पाकिस्तान का कोई खित्ता ऐसा नहीं रहेगा जहां जबर नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान के हर खित्ते में हमें आवाज बुलंद करनी होगी, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो मेरा आज आपको यही पैगाम है, ये पीटीआई का पैगाम नहीं है। मैं बतौर पाकिस्तानी, एक रंजीदा पाकिस्तानी, बतौर कानून के तालिबे इल्म आपसे मुखातिब हूं।
मैं उस हैसियत में आपसे मुखातिब हूं जो 30-32 साल मैंने गुजारे आपके हुकूक के की लड़ाई में। जो लोग जानते हैं मेरे करियर को वो जानते हैं कि कभी मेरे दफ्तर से कोई गरीब खाली हाथ वापस नहीं गया, कोई मजदूर कभी मेरे दफ्तर से वापस नहीं गया। कोई मेरे दफ्तर में अगर दाखिल हुआ है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, कोई पियन, उसकी पटिशन, आईनी पटिशन लेकर मैं हमेशा अदालत के सामने गया हूं। फीस तो जाहिर है सवाल पैदा नहीं होता, वो पेंशनर हो, वो निकाला हुआ मजदूर हो, हम आईनी पटिशनें लेकर अदालतों में जाते थे। अब किस अदालत में जाएंगे? मैं अब क्या उसको दिलासा दूंगा कि तुम्हें मैं उस अदालत में ले जाऊंगा जहां एक शख्स बैठा होगा, दिल और दिमाग जो हैं वहीं से टटोले जाएंगे, वहीं से कंट्रोल होंगे। तो यह है वो सानिया जो हमारे सामने खड़ा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पाकिस्तान के हर शहरी से गुजारिश है कि अब उठो, बहुत हो गया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। हम लड़ते रहेंगे अदालतों में, जो भी है, जिस किस्म की भी अदालतें हैं, लेकिन वहां आप तवक्को ना रखिए। अब आपको मामलात को समझना होगा, अपने हाथ में लेना होगा। जो अमल है ये मुदाफियत का, रेजिस्टेंस का, इसका हिस्सा बनना होगा। तो मेरी आपको यही दावत है, चाहे आप पीटीआई में हो, चाहे आप पीटीआई से बाहर हो, कहीं भी हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि आप मुदाफियत करें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को तारीख तर होने से बचाएं। इसको हमने कब्रिस्तान नहीं बनने देना, या कब्रिस्तान की खामोशी नहीं हमने होने देनी। कोई मुल्क फला नहीं करता। आज हर बच्चा इस मुल्क का यहां से भागना चाहता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि किसी को अपनी इज्जत का तहफ्फुज महसूस नहीं होता, किसी को यह नहीं लगता कि यहां काम कानून और कायदे के मुताबिक होगा। अगर उसके हक पर डाका डाला गया तो कोई अदालत होगी जो उसको रिलीफ देगी, जो उसको उसका हक लौटाएगी। तो आज वो ख्वाब अगर था कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, तो वो ख्वाब हमसे आज और दूर हो गया है। तो मेरी यही गुजारिश है, दर्दमंदाना गुजारिश है कि आइए अपना साथ दीजिए, पाकिस्तान का साथ दीजिए, शराफत का साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।